नमस्कार, मैं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज भाजपा के खिलाफ मोर्चा बंदी के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए ये बैठक बुलाई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत और भी विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम एक साथ परिवार की तरह मिलकर भाजपा से लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे। कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437। शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि अब इस विपक्षी बैठक को लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने इस बैठक को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। अब ये बैठक जो विपक्षी एकता की हो रही है, उसमें पहले तो ये तय कर ले, जितने जो दुल्हा आए हैं यहाँ, कूदे हैं बिहार के धरती पर, वो दुल्हा में असल दुल्हा कौन होगा पहले कहिए, मीटिंग में ही तय कर ले। अब बाकी बारात के रहेगा ये पहले तय कर लें। नीतीश जी दुल्हा होंगे कि केजरीवाल जी दुल्हा होंगे कि जो है सो राहुल गांधी दुल्हा होंगे। कर्नाटक जीत के आए हैं, वो भी कुर्ता पजामा टाइट करके बिहार की धरती पर आए हैं, तो उनको न जरा पूछिए कि दुल्हा कौन होगा, मोर किसको ये लोग मिलकर के रखेंगे, ये न पहले पूछिए। आज की बैठक में ये न तय करें। अगर ये तय करके बिहार की महान जनता को बता दें कि इस महागठबंधन का नेता कौन, तब आगे की बात आप हमसे करिएगा। अरविंद केजरीवाल आए, उनका पहला ये है कि ऑर्डिनेंस को लेकर के वो चाहते हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट करे। तो यहाँ तो सब अपना अपना रोग से ग्रसित है मान्यवर। नीतीश जी का रोग अलग है, ममता का रोग अलग है, माया का रोग अलग है, मुलायम जी के बेटे अखिलेश जी का रोग अलग है, और तेजस्वी जी का रोग अलग है कि जल्दी से नीतीश कुमार हटे कि हम मुख्यमंत्री बने। तो सब तो अपने अपने रोग को लेकर के यहाँ डॉक्टरी इलाज में आए हैं, तो बिहार की महान जनता इस बार इलाज बनिया से करने वाली है और देश की जनता मुकम्मल इलाज करके भेजने वाली है। ममता जी आई हुई हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टारगेट किलिंग किया जा रहा है पंचायत चुनाव के दरमियान। तो दोनों पहले फड़ियावे ना। अधीर रंजन जी जो अधीर बने हुए हैं तो पहले अपने नेता को न रोके, वहां जाकर के न पहले फड़ियावे। जो स्थिति अभी बंगाल की है, अब बंगाल जल रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में अगर बंगाल इतना अशांत है। विधानसभा चुनाव के समय हम लोगों ने कहा तो कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है पूरा दुनिया देख रही है बंगाल की स्थिति। तो जिस ममता बनर्जी जी से, मैडम ममता बनर्जी जी से बंगाल नहीं संभल रहा है, वो चाड़ी लगाने आई है नीतीश कुमार जी को। हम लोग यहाँ चाड़ी होता है, वो घर गिरने लगता है तो चाड़ी लगा देता है, तो वो आई है चाड़ी लगाने के लिए नीतीश कुमार जी को, देश संभालने के लिए। तौबा करिए इस सबसे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम आपका सहयोग करेंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ कोई सीट मिलने की देने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव अपने राग लाते हैं कि हम अपने सहयोगियों के साथ 80 लोकसभा के सीट लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को इतनी। हम क्या कहे, सब बात आप ही कह दिए कि इनको कहाँ गठबंधन होगा। ये जो यहाँ बैठ रहे हैं बिहार में, हम लोग सबका स्वागत करने वाले लोग हैं,
बिहार में आए हैं तो मिथिला का भी एक दिन चूड़ा दही खाएं। सब लोग, हम लोग तो मिथिला से आते हैं, चूड़ा दही कस के खाएं, अभी मालदा आम खाएं, सब लोग नाम लें बिहार का, यहां से जाएं। लेकिन जो जड़ बात के लिए आए हैं कि तोर नेतवा के होगा, नेता कौन होगा, ये तय न करिएगा। आए हैं बैठने तो पहले तो झिका झोड़ी खेल के ही ना तय करिए कि नेता कौन होगा, और उससे भी नहीं होता है तो कुश्ती लड़के तय करिए कि नेता कौन होगा, ही ना पहले तय कर। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस पीएम मोदी को अकेले हराने में नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। यह हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। अब इस ऑपोजिशन मीटिंग और केंद्र सरकार के तंज 2024 में क्या परिणाम लाएंगे, इसके लिए आपको करना होगा इंतजार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।